एज ए वन पीस फैन मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सबने आज से पहले इस बारे में सोचा था? मुझे जहां तक लगता है 90% लॉन्डो ने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा, ध्यान तक नहीं दिया होगा, बस लूफी के नए पावर को लेकर के एक्साइटेड रहे होंगे। बिकॉज जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ, फिर वो किस लेवल पे पहुंच गया मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार मैं इस बारे में सोचा और इस बारे में सोचने के बाद मैं एक नतीजे तक पहुंचा कि हाँ यार, सच में लूफी का जो डेविल फ्रूट है, हितो हितो नोमी मॉडल निका, जो कि इसका ओरिजिनल नेम है, इसका जब अवेकन होता है, जब जॉय बॉय आता है, तब ये काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजों का जवाब देना चाहूंगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, निका इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतना ज्यादा ओवर पावर्ड नहीं है। देखो यार, एक चीज जरा तुम ध्यान से सोचो, लूफी जो अवेकनिंग से पहले काइडो के साथ उसके पावर के मामले में उसके आधे भी नहीं आ रहा था। लूफी काइडो को अटैक करके डैमेज तो दे रहा था, लेकिन काइडो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब काइडो ने घुमा के दे मारा था, तो भाई लूफी को ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था। लेकिन जब इसका अवेकन हुआ, पता नहीं कहां से यार अचानक से इसका हाकी भी बढ़ गया, कॉन्कर हाकी कोटिंग जो था वो भी नेक्स्ट लेवल पे चल गया, और लूफी बहुत गंदी तरह से काइडो को कूट रहा था। और एक बात जरा तुम सोच लो, काइडो कोई वीक कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव उसे बोला जाता है। साथ ही साथ जब तक उसके अंडर वानो कुनी आता था, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 20 साल के अंदर एक बार भी वानो पे हमला करके कब्जा करने का नहीं सोचा। तो यहां पर देखो, एक बात तो अंदाजा मिल जाता है कि काइडो का रुतबा एक अलग लेवल पे था। वो वन ऑफ द फोर एम्परर्स में से एक था और उसके अंडर वानो कुनी आता था, और इस वजह से वानो कुनी बचा हुआ भी था वर्ल्ड गवर्नमेंट से। पर उधर काइडो ने इस पे कब्जा करके रखा था, जिसको हराने के लिए फिर लूफी आता है, मोमोनोस के साथ हाथ मिलाता है, मतलब अलायंस में साथ में किड और लॉ भी थे। मेन अलायंस तो इन्हीं तीनों का था, मोमोनोस के बस वानो के तरफ से था, और वो 8 साल का चूतिया बच्चा किसी काम का नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंसिडर कर लेते, बिकॉज सामुराई उसी के वजह से लड़ रहे थे। अब देखो, जब लूफी पहली बार वानो कुनी गया, और वहां पर लूफी जाकर के काइडो से फर्स्ट टाइम कुरी में भिड़ता है, क्या होता है, थंडर बागुआ वन शॉट खत्म, सीधा ओडेन प्रिजन में डाल देता जाके। ओडेन प्रिजन नहीं, उडोन प्रिजन होता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा खराब है तो इसको तुम लोग नजरअंदाज कर देना। उसके बाद फिर लूफी दोबारा ओनिगासीमा में हमला करता है, जहां पर अभी तुम लोग देख सकते हो एनिमे में लूफी पिटा के गिर चुका है। और ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है। फिर लूफी दोबारा उठ के जाता है, और उस वक्त कांटे का टक्कर हो रहा होता है, जहां पर काइडो अपना ड्रंकन वाला फॉर्म दिखाता है, ड्रंकन मास्टर बन के दारू पी के फाइट करता है। और वहां पर तुम देख सकते हो, जब काइडो दारू पीता है और उसके बाद दोनों का हेड बट होता है कॉन्करर हाकी कोटिंग के साथ, तो वहां पर लूफी एक बात कहता है कि उसका हाकी स्ट्रांग हो चुका है। मतलब ये कि काइडो इतने देर से भाई टाइम पास कर रहा था, प्लस उस फाइट में लूफी अपना गियर 5 स्नेक मैन का थोड़ा अलग टाइप का वर्जन दिखाता है, और वहां पर काइडो और लूफी का फाइट बहुत तगड़ा वाला होता है। प्लस हम एक और चीज देखते हैं, काइडो का ऑब्जर्वेशन हाकी, उसके पास भी फ्यूचर साइड वर्जन है, वो भी फ्यूचर देख सकता है। और उसके बाद जिस हिसाब से वो कहता है, मतलब जिस तरह से थानोस ने आयरन मैन को कहा था, ज्ञान का अभिशाप सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला, वैसे ही काइडो भी वहां पर कहता है, सिर्फ तेरे पास ही ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं है। इसके बाद फिर वो वाला फाइट काफी ज्यादा लंबा नहीं चलता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे का फाइनल अटैक तैयार करते हैं, और वहां पर एक दूसरे को मारने वाले होते हैं कि उसी वक्त CP0 का ये चूतिया एजेंट आ जाता है और आ करके डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से लूफी हार जाता है। पर तुमसे ही मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या लूफी उस फाइनल अटैक में काइडो को हरा पाता? बिल्कुल भी नहीं, काइडो उस अटैक को झेल जाता, और काइडो फिर दोबारा कूटना चालू करता है, और लूफी का जो गियर 5 था, सॉरी लूफी का जो गियर 4 स्नेक मैन था, वो किसी काम का नहीं रहता, बिकॉज उसका टाइम लिमिट जानते ही हो, वो 10 मिनट तक हाकी यूज नहीं कर सकता, और उस बीच में काइडो हो सकता है उसका गर्दन ही उखाड़ देता है। लेकिन फिर उसके बाद आता है गियर 5, जहां पर लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होता है। 5 एल्डर्स उसका डेविल फ्रूट का रियल नेम रिवील करते हैं, जो कि होता है हितो हितो नोमी मॉडल निका, सन गॉड निका की पावर रखता है ये। साथ ही साथ हमें इसका पावर ये बताया जाता है कि इसका बॉडी कॉम्बैट में
रबर वाली पावर को यूज कर सकता है। प्लस इसका लिमिट हमें यह बताया जाता है वो उसके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। यहां पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है मतलब यार लूफी जो सोचता है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लूफी का बॉडी उस हिसाब से काम करता है उसके थिंकिंग पे। मतलब मान लो लूफी सोचता है कि मैं जायंट बन जाऊं तो उसका बॉडी जायंट बन जाएगा। मान लो लूफी सोचता है कि वो गियर सेकंड में आ जाए, बस उसके सोचने भर से ही वो गियर सेकंड में आ जाएगा, उसको उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। वैसे गियर फाइव का जो ड्रॉ ओडा ने किया था बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये बहुत ही ज्यादा बचकाना सा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ओडा का स्टाइल है। अगर हम लोग वन पीस को जितने साल से भी देख रहे हैं या फिर उसके मांगा को फॉलो कर रहे हैं, एक बात गौर करना भाई, वन पीस का आर्ट स्टाइल अजीब है बहुत ही ज्यादा। तो हाँ, गियर फाइव का आना, जॉय बॉय का रिटर्न करना, नीका वाला वेकन होना, ये अजीब होना ही था। लेकिन वही बात उठता है ओवर पावर को लेके। तो हाँ यार, ये ओवर पावर काफी ज्यादा है, बिकॉज लूफी जैसे अवेकन होता है, सॉरी मतलब लूफी का डेविल फ्रूट जैसे ही अवेकन होता है भाई, ये बंदा काइडो को कुत्तों की तरह कूटना चालू कर देता है। इससे पहले काइडो इसका ये हाल कर रहा होता है, और अवेकन के बाद सीन कुछ उल्टा होता है और लूफी उसका ये हाल कर रहा होता है। तो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल हो सकता है कि जिस तरह से लूफी ने काइडो को बिजली दे मारा था, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लूफी दूसरे एलिमेंट की चीजों को भी पकड़ के दे फेंके? ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, बिजली को लूफी पकड़ सकता है बिकॉज वो बिजली से इम्यून है। बिजली का रबर पे कोई असर नहीं होता, एनरू के खिलाफ हम लोग देख चुके हैं, और इसी वजह से वो बिजली को पकड़ के फेंक दिया था। जमीन को भी वो पकड़ के रबर में चेंज कर सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर तुम बोलोगे भाई वो जाके आग को पकड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो आग को पकड़ेगा तो वो जल जाएगा। वैसे ही समुन्द्र के पानी को वो रबर में चेंज करे तो वो चीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हाथ डालेगा तो भाई उसका डेविल फ्रूट पावर चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन जब तो अभी तक हमें जितना भी लूफी के पावर अप दिखाए गए, चाहे वो गियर सेकंड है, उसमें वो अपने लाइफ के कुछ सेकंड खोता है। गियर फोर में उसका हाकी बहुत ज्यादा यूज होता है, जिस वजह से वो 10 मिनट के लिए हाकी को यूज नहीं कर पाता है। बट गियर फाइव या कह लो लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होना, इसमें अभी तक हमें इसका डिसएडवांटेज नहीं दिखा है, और इसी वजह से हमें ये पावर जो है ना काफी ज्यादा ओवर पावर लग रहा है। और फ्यूचर में हो सकता है ओडा इसका भी कोई ना कोई कमी निकाल के दिखाए कि इससे ये खतरा हो सकता है लूफी को, ये चीज मैं देखना चाहूंगा। अब देखो, लूफी का अवेकनिंग फॉर्म में आना, ये कहीं ना कहीं उसको ओवर पावर तो बनाता ही है। बिकॉज देखो, लूफी विदाउट अवेकनिंग वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी एडमिरल को भी हरा दे, लेकिन जब वो अवेकन कर लेता है अपने डेविल फ्रूट को, फिर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, उसने करके दिखा दिया है। और फ्यूचर में हो सकता है इसका अवेकनिंग और भी हमें दिखे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग फॉर्म में लाएगा और गियर फाइव का और भी हमें पावरफुल वर्जन देखने को मिलेगा। बिकॉज मुझे जहां तक लगता है ये इसका फुल पोटेंशियल नहीं है। प्लस विदाउट अवेकनिंग लूफी का हाकी कितना स्ट्रांग है इस बात का भी पता नहीं है। अभी तक मेरे हिसाब से सैंक्स का हाकी सबसे ज्यादा खतरनाक वाला, करंट में बता रहा हूँ, जो जिंदा है, बिकॉज जो मर गए हैं उनका हाकी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। रॉजर वाइट बियर्ड और गार्प के पास कॉन्कर हाकी है कि नहीं, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, तो हम गार्प को कंसिडर नहीं कर सकते। और ड्रैगन के पास हो सकता है, पर ड्रैगन का भी हाकी नहीं दिखा है। लेकिन अभी तक हमने सैंक्स का जो देखा है हाकी, उसका बहुत ज्यादा खतरनाक है हाकी। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में लूफी का भी हाकी विदाउट अवेकनिंग इस लेवल का पहुंच जाए। वैसे यार, लूफी अवेकन होने के बाद भी सैंक्स के लेवल का हाकी तो मेरे को नहीं नजर आता है, क्योंकि जिस हिसाब से सैंक्स ने वानो कुनी से दूर रहकर के कॉन्करर हाकी मारा था और जा करके भाई ग्रीन बुल को लगा था, तो ये बताता है कि सैंक्स का हाकी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे फ्यूचर में लूफी का भी हाकी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन फिलहाल के टाइम पे मैं कहूंगा ये अवेकनिंग ना बहुत ज्यादा ओवर पावर है। विदाउट अवेकनिंग लूफी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वो अवेकनिंग के बाद हो जाता है। खैर देखो, इस बारे में बात हम लोग कभी और करेंगे और भी ज्यादा डिटेल में, जब फ्यूचर में लूफी का और भी ज्यादा पावर बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही बताया गया, तो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। अब तुम सबका क्या राय है यार, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
वीडियो पसंद आया लाइक करना करो, नहीं करना मत करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना लेकिन। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।